हम आइसन कंपनी के वर्कर हैं। मेरा नाम गोविंद कुमार विश्वकर्मा है। हमें यूपी के बनारस के रहने वाले हैं। मैं 1000 किलोमीटर दूर से रोहतक आइसिन कंपनी में भर्ती हुआ था। 4 साल नौकरी किया। नौकरी करने के बाद कंपनी ने जो है कि बिना नोटिस दिए, बिना कोई श्रम कानून लागू किए, कंपनी ने 1 मिनट में हमें रोड पे कर दिया, जिससे कि घर परिवार चलाना भारी पड़ रहा है। आज हम 5 भाई हैं, लेकिन 5 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे 4 भाई अलग अलग रहते हैं और कोई मदद नहीं करते। हम अपना गुजारा जो है कि हेल्पर ही कर करके अपने परिवार लेके रोहतक में ही रह रहे हैं। हमारा कहीं से कोई जो है कि आमदनी नहीं है और परिवार चलाना भारी पड़ रहा है। और ये जो सरकार है, हम लोगों को रोड पे लाके खड़े कर दी है। और बनारस में जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बनारस को अपना वो मानते हैं कि हम बनारस के अपना गढ़ बनाए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। अब ऊपर से यूपी, बनारस, हरियाणा और राजस्थान, उड़ीसा के जितने भी बालक थे दूर दूर के, सब बेरोजगार हो गए हैं। सब लोग रोड पे आ गए हैं। आज के डेट में परिवार चलाना बिल्कुल भारी हो गया है। और हमारे अभी छोटे छोटे गुड़िया है, उसकी तबीयत खराब हुई रहती है। हम उसी में परेशान रहते हैं और अपना भी परिवार ढंग से नहीं चला पाते और अपने आगे की पीढ़ी के बारे में भी कुछ नहीं सोच पाते कि इसको क्या अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे। हमारे सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि वर्करों के हित में बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी नीति बना दी कि गुड़गांव, रेवाड़ी, रोहतक और अनेकों जगह के मजदूर, किसान जो कि रोड पे आ गए हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कि हम जो है कि हमारी मम्मी जी पोछा करती हैं, हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है कि गरीबी नहीं है। इनके अंदर अंबानी जैसे और बड़े बड़े लोगों जैसे दिमाग में बसे हैं। गरीब मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोचते, लेकिन कहते हैं हम तो चाय बेचने वाले हैं, ट्रेन में चाय बेचते थे। वो सब एक दिखावा था वोट लेने के चक्कर में, वोट बैंक बनाने के चक्कर में, इसीलिए। लेकिन अब ऐसे ही करेंगे तो आगे जाके इन्हें उल्टा मुंह की खानी पड़ेगी और कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों की जल्द से जल्द सुनवाई करें और हम लोगों की जो है कि रोजी रोटी के लिए जो भी करना है, अब जल्दी से नौकरी बहाली करें, जिससे कि हमारा पूरा परिवार चल सके अच्छे से।